हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं देखिए एक वीडियो आ चुकी है जिसमें निफ्टी के प्रेडिक्शन कल के क्या हो सकता है आईटी मेटल एफएमसीजी ऑटो बैंक किस तरीके से यहां पर बिहेव कर सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाइए तो यहाँ कर देखिएगा और इस शेयर में हम बात करने वाले तीन ऐसे शेयर से रिलेटेड जो कि अच्छे खासे रिटर्न आपको फ्यूचर में देते हुए नजर आएंगे आज भी देते हुए नजर आए और यहाँ पर उनके रिलेटेड मैं कुछ बताने वाला हूँ तो लास्ट तक वीडियो में देखिएगा ताकि चीज़ें समझ में आए सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की ओके यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड आप देख देख सकते हैं आज कितने परसेंट भागा ओके यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगभग 9.5 परसेंट बट एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो ये शेयर और ज्यादा भागा था और एक का इसने अपना हाई भी बनाया था तो हाई बना के आप यहाँ पर चार्ट के बारे में हम यहाँ पर चेक करेंगे देखेंगे बट बिफोर दैट और भी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हैंपीएस्ट माइंड जब इसके रिजल्ट आए थे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि काफी बेहतरीन कंपनी है और यहाँ पर कुछ दिन पहले कल फ्राइडे को मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी और हैप्पीएस्ट माइंड उसमें से एक स्टॉक था जो मैंने आपको बताया था

कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है एक्सपेंसेस देखें साथ साथ बढ़ रहे हैं बट यहां पर अगर कुछ चीजें देखेंगे कंपनी स्टिल यहाँ पर हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस पेश कर रही है कंपनी के इस बार के भी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो काबिले तारीफ थे और अगली बार के जब मार्जिन आएंगे तो यहाँ मुझे याद लगता है कि काफी बेहतरीन मार्जिन रहने वाले हैं और कंपनी और ज्यादा परफॉर्मेंस करेगी और नाइन्टी बिजनेस इनका केस से आता है डिजिटल डिजिटल से आता है तो जब डिजिटल से बिजनेस आता है तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी करेगी

यहां पर ऊपर के लेवल देखेंगे तो ऊपर का लेवल यहाँ पर यह था जो यहाँ पर इस लेवल में इस बॉक्स में आता है ये पर्टिकुलर शेयर इस बॉक्स में अगर ये आता हुआ दिखाई देता है तो अच्छी खासी तेजी बनती हुई और दिखाई देगी और यह शेयर शायद बारह ओके और साढ़े के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा बट कुछ टाइम के लिए अगर नहीं आता तो ये शेयर दोबारा शायद इस नौ सौ के लेवल को यहाँ पर टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद धीरे धीरे अब ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा देखिए गिरावट होनी थी एक गिरावट भी एक, एक लिमिट तक हो सकती है ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी यहाँ पर बेचता चला जाएगा और मैंने हमेशा लास्ट वीडियो में जब मैंने यहाँ आप पर आपको बताया था आईटी स्टॉक से रिलेटेड तब मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक्स वन ऑफ द गुड स्टॉक है और मैं इसे लंबे टाइम तक लगभग पंद्रह से बीस साल रखने वाला हूं और हर एक डिप्स में इसे बाइंग भी कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं क्योंकि एक शेयर बेहतरीन है लगभग एक अच्छी खासी गिरावट के बाद अगर ये दोबारा इस रेंज में आता है और आपको मिल जाता है तो बाइंग की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी और अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पर कमा सकते हैं और जिस जो ये पंद्रह सो सौ के लेवल पे अटके हुए ना इस लेवल पे तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमा के ही यहाँ से निकलेंगे याद रखिएगा कम पे नहीं निकलेंगे तो जिसने खरीदा है वो बायोन टिप्स कर सकता है आज भी कर सकता है और कल भी कर सकता है और जब चीजें यहाँ पर भागनी शुरू करेगी और ये ग्राउंडिंग बॉटम बना के जब चीजें ऊपर जाएंगी तो अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा तो हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ ध्यान देना है बट शायद कल की डेट में थोड़ा सी यहाँ पर नरमी हो सकती है कंसोलिडेशन या फिर गिरावट के संकेत पर दिखाई दे रहे हैं और इसे अच्छी तेजी के लिए आज का जो इसका एक हजार तेईस का वो निकालना जरूरी है उसके बाद ये 1070 पे पहुंचेगा और 1070 क्रॉस करने के बाद ये एक 1184 की डायरेक्टरी में आएगा और उसके बाद शायद ये कंसोलिडेशन करना यहां पर शुरू करे और फिर से थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर भागे इस तरीके की यहां पर नीति रह सकती है इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की जिस जो कि यहां पर कुछ दिनों में यहां पर अच्छा खासा भागा था ओके और इसमें अब एक साइड बेस्ट जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका फार्मा यहाँ पर देखिए इसने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई थी एस्ट्राजेनिका ने लगभग यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने एक आ, अगर 4900 के आसपास का यहाँ पर इसने हाई बनाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर एक बार देख लेते देखिये फोर्टी नाइन के आसपास का इसने हाई बनाया हमने यहाँ पर भी खरीदा था तब बेचा था फिर हम यहाँ पर बीच में हम यहाँ पर खरीदा था उसके बाद यहाँ पर गिरावट लगातार होती हुई नजर आई थी और अभी हम देखे तो देखिए स्टॉक तो महंगा है ओके आर ओ सी आर ओ यहाँ पर बात करें यहाँ पर ठीक ठाक है डेट फ्री कंपनी है ओके और इंडस्ट्री का भी बत्तीस का है, इसका एक सौ उन्नीस का तो शेयर कहीं कही ना कहीं अभी भी महंगा है थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है बट अब मुझे क्या नजर आता है चार्ट पे, वो मैं आपको बताऊंगा उस बट यहाँ पर अगर चीज देखे तो कंपनी के रिजल्ट इस बार के काफी बेहतरीन थे क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम आया था बट अगली बार के जब रिजल्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं इसके मार्जिन काफ़ी अच्छे आने वाले हैं ओके okay, जो मुझे लगता है अगर फिफ्टीन टेन uh, uh, से ऊपर ही आ गए मार्जिन तो याद रखिए शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा और हाइस्ट लेवल्स के नंबर्स आने शुरू हो गए और अच्छी खासी कंपनी भी यहाँ पर नजर आती है और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है तो देखिए सबसे अच्छा पैसा वो ही कमाता है जो जिस कंपनी को अपने शेयर पे भरोसा रहता है प्रोमोटर्स को अपने शेयर पे भरोसा है तो चाहे उन चार हजार पर जाए या चाहे एक हजार पे जाए उन्हें मैटर

बन सकती है बट इसके एक लेवल है उसे यहां पर क्रॉस करना बहुत जरूरी है तो उस लेवल की बात करेंगे सबसे पहले इसके लिए ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इसे क्रॉस किया तो ए इस डायरेक्टरी में आएगा इकतीस सौ छे का यहां पर इसे निकालना बहुत जरूरी है और नीचे की बात करें ये सपोर्ट है जब तक ये सपोर्ट यहाँ पर इसने होल्ड कर रखा है तब तक मैं भी बना हुआ हूँ अगर इसने होल्ड इस सपोर्ट को ये तोड़ा तो यहां से मैं भी एग्जिट करूंगा और दोबारा नीचे के लेवल पे लेंगे शेयर बेहतरीन है जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट और आने वाले दो तीन चार क्वार्टर चार क्वार्टर में अच्छे खासे फार्मा शेयर भागते हुए नजर आएंगे तो इट वुड बी दन ऑफ द स्टॉक जो कि यहाँ पर अच्छा खासा भागेगा और ये किस तरीके का चार्ट पार्टनर बनाएगा ये सीधे राउंडिंग बॉटम बना के अगर आप इस तरीके से भी नहीं खेलना चाहते थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंट रख पेशेंस रख लीजिए एक साल का ये शेयर दोबारा इस लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा और अच्छा खासा पैसा बनेगा तो यहाँ पर नीचे के लेवल पे आए तो बाइंग कर सकते हैं बाकी ऊपर के लेवल पे तो ऐसे जाने ही जाना है तो एक्स्ट्रा जाने का और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करूंगा जिसका नाम है मेट्रीमोनी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था जब बाई आया था आपको बताया था ग्यारह का बाई है सीधे फोर्टी का यहाँ पर जम्प दिखाई देता है इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखिए एफ प्रमोटर्स के पास अच्छे शेयर होल्डिंग पे है यहाँ पर एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है डी की थोड़ी सी हिस्सेदारी कम हुई है और यहाँ पर पब्लिक के पास केवल और केवल 10% की हिस्सेदारी है इसके अलावा इसके जो रिजल्ट थे वो यहाँ पर काबिल तारीफ थे अच्छे रिजल्ट थे ओके बट अगली बार के रिजल्ट थोड़े से डल आ सकते हैं एक दो क्वार्टर के तो यहाँ पर अगर ऊपर ये शेयर जाता है मेट्रीमोनी ओके okay, कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर एक दो स्टॉक्स जो अगर आपने एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से में दीजिएगा कुछ स्टॉक्स पर तो पर ऊपर जाते हैं तो बेचने की पर राय रहे रहेगी क्यों क्योंकि शेयर नीचे आने के बाद फिर ऊपर भागता हुआ दिखाई दे सकता है ऑलरेडी इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेशन इस लेवल को इसने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने डबल टॉप जो यहाँ पर बन रहा था वो भी निकाला इसके बाद ट्रिपल टॉप बन रहा था वो भी निकाला और कब हैंडल पैटर्न यहाँ पर देखिए चाप्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इसे यहाँ पर निकाल

अगर हम यहाँ पर इससे काउंट करते हैं तो भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है तो यहां पर देखिए तो लगभग फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देता है।, 13%, 14 के पर बनते हुए नजर आते है ये सारे के सारे इसके सपोर्ट है तो सीधे और एट एटी सेवन के पास गया तो यहाँ पर नाइन ट्वेंटी सेवन के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे करके ये राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है तो इन शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है ओके ग्यारह का इसका बाईबैक है मतलब इसके आसपास का बाई है शेयर बाईबैक में दीजिएगा और ऊपर जाए तो यहां पर सेल की रणनीति रहेगी और थोड़ा सा नीचे आ जाए शेयर फिर उसके बाद दोबारा खरीदेगा मेट्रीमोनी की बात करें तो यहाँ पर और भी कुछ चीजें यहाँ पर दिखाई देती है यहाँ पर देखिए पैतीस के पी पे इंडस्ट्री का पी ट्वेंटी थ्री का है, कहीं ना कहीं अभी भी महंगा है और आर बेहतरीन है तो कंपनी का शेयर काफी बेहतरीन है ओके बट मार्केट में गिरावट थी ये शेयर भी नीचे आया अगेन अब भागना शुरू किया है ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है कल की डेट में शायद दोबारा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे सकता है और एक एक करके ये लेवल को क्रॉस कर सकता है जैसे ही आएगा तो शायद उसके बाद शेयर गिरना शुरू होगा तो इसलिए बाईबैक के

या फिर स्विंग ट्रेड भी करना चाहता है वो भी कर सकता है तो इसी तरीके के स्टॉक्स, इसी तरीके की रणनीति अपनाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए इन्वेस्ट सो मच गॉड ब्लेस